दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफोर्ट और फिफ्थ के बारे में जी हाँ दोस्तों इस मूवी का इंतजार हम सभी लोग कई दिनों से कर रहे हैं वैसे तो 2024 या 25 के अंदर ये हमें कंफर्म देखने को मिलने वाली है लेकिन अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट एक तरह निकल के नहीं आएंगे और इसकी ना ही रिलीजिंग डेट एक तरह से फिक्स की गई है जो भी अपडेट है जितनी भी अपडेट है अब निकल कर आई है वो सारी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा जो भी इसके पोस्टर या टीजर या ट्रेलर या इसकी अनाउंसमेंट डेट कब होने एक तरह से मिलने वाली है कि कब ये हमें देखने को मिलेगी सारे कुछ जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबा कर शे से एल्पो सेट कर दीजिएगा और दोस्तों ऐसे वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक तरह से जरूर सपोर्ट कीजिएगा अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो केमिली डेलमरे द्वारा निर्देशित और बिल कोलाज, एडम कूपर और ल्यूक बेसन द्वारा लिखित है यह रीबूट और ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म इसमें फ्रैंक मार्टिन के रूप में एड्स क्रेन, रे स्टीवेंसन लोन चैब्नोल गैब्रिएला राइट ताजाना पाजकोविच यू वेंगसिया रेडिवोजे बुकविक लेन कुद्रजाविस्की अनातोले ताउबमैन और नोएमी लेनोयर शामिल हैं फिल्म में फ्रैंक खुद को अन्ना चब्नोल द्वारा रचित एक बैंक डकैती और अपहरण की साजिश में फंसा हुआ पाता है चौथी ट्रांसपोर्टर फिल्म में मूल फ़्रेंचाइजी स्टार जेसन स्टैथम को शामिल करने की योजना बनाई गई थी जिन्हें अतिरिक्त किश्तों के निर्माण के लिए यूरोपाकॉर्प के साथ तीन फिल्मों का सौदा करने की पेशकश की गई थी स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद स्क्रेन को काम पर रखा गया और फ़्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया जिसमें पहली तीन फिल्मों से कोई वापसी करने वाला कलाकार नहीं था मुख्य फोटोग्राफी पेरिस में हुई ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड को नाटकीय रूप से 4 सितंबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में और पांच दिन बाद यूरोपाकॉर्प द्वारा फ्रांस में रिलीज किया गया था यह मुख्य रूप से यूरोपाकॉर्प द्वारा वितरित पहली ट्रांसपोर्टर फिल्म है फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली जिन्होंने पटकथा की आलोचना की और इसे अन्य ट्रांसपोर्टर फिल्मों की तुलना में कमजोर पाया इसने दुनिया भर में बेहतर मिलियन डॉलर की कमाई की कथानक उन्नीस में रूसी आपराधिक डकैत अरकड़ी कारासोव और उसके सहयोगियों लियो इमासोव और यूरी ने फ्रेंच रिवेरा में प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के यौन तस्करी के कारोबार को अपने कब्जे में ले लिया वेश्याओं में से एक युवा अन्ना और मैसा हैं करासोव मैसा को अपने साथ ले जाने में रुचि लेता है पंद्रह साल बाद अन्ना कारासोव के आपराधिक उद्यम को खत्म करने की अपनी योजना को लागू करने के लिए किसी को बुलाती है पूर्व स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव फ्रैंक मार्टिन एक कुशल ड्राइवर है जो अपनी ऑडी एस आठ में संदिग्ध ग्राहकों के लिए वर्गीकृत पैकेज और लोगों को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रैंक एक सेवानिवृत्त एमआई छह एजेंट और फ्रैंक जूनियर के पिता फ्रैंक मार्टिन सीनियर को चुनता है बाद में उस रात कार्लटन कांस होटल में अन्ना और कियाओ ने करासोव के पैसे के प्रभारी अकाउंटेंट की हत्या कर दी और भागने से पहले होटल के कमरे में एक मृत वेश्या का शव रख दिया फ्रैंक जूनियर के आवास पर अपने पिता के साथ रात्रि भोज के दौरान एना फ्रैंक जूनियर को एक ट्रांसपोर्टर के लिए बुलाती है और उसे होटल बैरियर ले मैजेस्टिक कांस में उससे मिलने के लिए कहती है अगली सुबह कारसोव और उसकी महिला मैसा को पता चलता है कि उसके अकाउंटेंट की हत्या कर दी गई है और एक मृत वेश्या उसके समूह का हार पहने हुए पाई जाती है फ्रैंक जूनियर की मुलाकात अन्ना से होती है जो उसे मोंटे कार्लो में मेडिटेरेनियन बैंक से लेने के लिए कहती है जिसे वह स्वीकार कर लेता है वह बैंक में अन्ना से मिलता है जहां उसके साथ कियाओ और मारिया सहित तीन महिलाएं शामिल होती हैं संदेह होने पर फ्रैंक महिलाओं को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन वे फ़्रैंक जूनियर को सहयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए उसे बंदूक और उसके पिता को बंदूक की नोक पर पकड़े जाने का एक लाइव वीडियो दिखाकर धमकाते हैं फ्रैंक जूनियर पुलिस से बचने में कामयाब हो जाता है महिलाओं को एक सुरक्षित घर में ले जाता है और जीना और उसके पिता से मिलता है एना ने खुलासा किया कि उसके पिता को जहर दिया गया था और अगर फ्रैंक जूनियर ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था तो वह मर जाएगा क्योंकि उनके पास मारक दवा है फ्रैंक अनिच्छा से स्वीकार करता है और अन्ना फ्रैंक जूनियर से कहता है कि वे संवेदनाहारी गैस चुरा लेंगे उसे पता चलता है कि अन्ना और महिलाएं करासोव की पूर्व वेश्यायी थीं जिनके साथ उसने कार्य इतिहास साझा किया था इस बीच करासोव और मैसा को पता चला कि महिलाओं ने करासोव के सहयोगियों की सूची वाली एक लॉकबुक चुरा ली है और करासोव को एहसास हुआ कि फ्रैंक जूनियर शामिल था फ्रैंक जीना कियाओ और अन्ना को इमासोव के स्वामित्व वाले रेव पार्टी क्लब में ले जाता है उन्होंने इमासोव सहित क्लब के सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस बंद कर दी जिससे उन्हें उसकी उंगलियों के निशान मिल गए जिससे उन्हें उसके बैंक खाते तक पहुंच मिल गई और अन्ना ने पैसे उसके खाते में स्थानांतरित कर दिए फ़्रैंक सीनियर और मारिया यूरी के विमान में घुसपैठ करते हैं और फ्रैंक जूनियर द्वारा उन्हें लेने से पहले उसकी उंगलियों के निशान अपने खाते में सुरक्षित कर लेते हैं मारिया को यूरी के एक अंगरक्षक ने गोली मार दी थी इसलिए वे उसकी जान बचाने के लिए उसे वापस सुरक्षित घर में ले गए एना ने खुलासा किया कि जहर एक छलावा था इसलिए फ़्रैंक जूनियर और सीनियर लड़कियों के काम पूरा करने के बाद चले जाते हैं करासोव के सहयोगियों ने करासोव से फ्रैंक जूनियर और उसके समूह की लड़कियों के साथ उसके इतिहास के बारे में पूछताछ की इसलिए करासोव ने फ्रैंक सीनियर का अपहरण कर लिया और फ्रैंक जूनियर को फ़ोन किया और मांग की कि वह लड़कियों को अपनी नौका पर ले आए अन्यथा वह उसके पिता को मार डालेगा फ्रैंक जूनियर लड़कियों के पास लौट आता है लेकिन जीना समूह छोड़ देती है फ़्रैंक जूनियर महिलाओं को करासोव की नौका पर ले जाता है यूरी और इमासोव भी नौका पर आए उन्होंने करासोव पर उनके पैसे चुराने का आरोप लगाया और अन्ना ने आरोप लगाया कि करासोव ने लड़कियों को उनके लिए उनके पैसे चुराने का आदेश दिया था करासोव अपने सहयोगियों को अपना खाता दिखाता है लेकिन जीना नौका पर चढ़ने और चुराए गए सभी पैसे उसके खाते में स्थानांतरित करने में सफल हो जाती है डबल क्रॉस एक गोलीबारी होती है जिसमें कियाओ और मारिया गोलीबारी में मारे जाते हैं मैसा द्वारा जीना को गोली मारने से पहले जीना ने पैसे वापस चुरा लिए इससे पहले कि मैसा पैसे वापस ले पाती जीना ने मैसा का गला घोंट दिया और फिर उसके घाव ने दम तोड़ दिया फ्रैंक जूनियर एक चट्टान पर करासोव का सामना करता है अन्ना हस्तक्षेप करता है करासोव को गोली मारता है और उसके शरीर को समुद्र में गिरा देता है फ्रैंक जूनियर अन्ना को अपना बदला लेने का जीवन छोड़ने के लिए मनाता है और अन्ना वहां से चली जाती है एक महीने बाद एना चुराए गए पैसे को अपने दोस्तों और फ्रैंक जूनियर और सीनियर के परिवारों में बांट देती है कास्ट करें फ्रैंक मार्टिन जूनियर के रूप में एड्स क्रेन, एक पूर्व भाड़े का अनुबंध चालक जिसे मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टर के रूप में जाना जाता है फ्रैंक मार्टिन सीनियर एक सेवानिवृत्त गुप्त एजेंट और फ्रैंक के पिता के रूप में रेस्टीवेंसन अन्ना के रूप में लोन चबनोल चार भागी हुई यौन दासियों में से एक जो फ़िल्म की घटनाओं से पन्द्रह साल पहले की एक घटना के लिए कारासोव से बदला लेना चाहती है जीना के रूप में गैब्रियला राइट अन्ना की दोस्त और चार भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक जो कारासोव के खिलाफ निकली थी मारिया के रूप में ताजाना पाजकोविच अन्ना की दोस्त और चार भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक कियाओ के रूप में यू वेंगसिया अन्ना की दोस्त और चार भगोड़ी सेक्स गुलामों में से एक रेडीवोजे बुकविक एसआर अर्कड़ी कारासोव के रूप में एक शक्तिशाली रूसी डकैत जिसने फ्रैंक के पिता साथ ही फ्रैंक के पूर्व भाई बहन का अपहरण कर लिया था और फिल्म की घटनाओं से पन्द्रह साल पहले हुई घटना के लिए जिम्मेदार था जिसमें अन्ना और शामिल थे उसके दोस्त मैसा के रूप में नोएमी लेनोएर लियो इमासोव के रूप में लेन कुद्र जाविस्की अपने बैंकों को लूटने के लिए अन्ना की हिटलिस्ट में दूसरा व्यक्ति जो नाइट क्लब नृत्य पार्टियों की मेजबानी करता है यूरी के रूप में यूरी कोलोकोल निकोव उनके बैंकों को लूटने के लिए अन्ना की हिटलिस्ट में तीसरा व्यक्ति है और उसके पास एक विमान है इंस्पेक्टर बेक्टोई के रूप में समीर गोएस्मी स्टेनिसलाव टर्गिन के रूप में अनातोलेटुवमैन उत्पादन 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में यूरोपाकॉर्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स के सहनिर्माण और शीर्षकों के वितरण के साथ एक नई त्रय की घोषणा की गई थी चार पांच प्रत्येक फिल्म का बजट संभवतः 25 यूरो मिलियन से 30 यूरो मिलियन के बीच होगा और कम से कम एक फिल्म की शूटिंग चीन में की जाएगी 6. ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सवित पोषण वितरण निर्माण और लेखन करेंगे सात जेसन स्टैथम के साथ बातचीत विफल होने के बाद फ्रेंचाइजी को फिर से शुरू किया गया यूरोपाकॉर्प चाहता था कि स्टैथम पहले स्क्रिप्ट का खुलासा किए बिना तीन अनुबंध सौदे पर हस्ताक्षर करें अंग्रेजी अभिनेता एडस्क्रेन ने श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में स्टैथम की जगह ली आठ मार्च 2015 में शीर्षक को द ट्रांसपोर्टर लिगेसी से बदलकर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड कर दिया गया फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 1 अगस्त 2014 को पेरिस फ्रांस में शुरू हुई नाइन 10, 11, 12 रिलीज यह फिल्म पहले 6 मार्च 2015 को रिलीज होने वाली थी नौ पांच नवंबर 2014 को यूरोपा कॉर्प ने फिल्म को 19 जून 2015 को रिलीज करने के लिए स्थानांतरित कर दिया तेरह एक अप्रैल 2015 को यूरोपा कॉर्प ने फिल्म को फिर से चार सितंबर 2015 पर ले जाया फोर्चीन बॉक्स ऑफिस ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 16 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में छप्पन मिलियन डॉलर की कमाई की जिससे दुनिया भर में कुल बेहतर मिलियन डॉलर की कमाई हुई तीन अठारह दशमलव तीन मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसका सबसे बड़ा क्षेत्र चीन था फिफ़्टीन उत्तरी अमेरिका में अपने शुरुआती सप्ताहांत में फ़िल्म ने सात दशमलव चार मिलियन डॉलर की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर रही यह चीन में अपने शुरुआती सप्ताहांत में सीएन उनहत्तर डॉट आठ मिलियन की कमाई के साथ चौथे स्थान पर था सिक्सटीन आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आइकन इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है आप इसे जोड़कर मदद कर सकते हैं सितंबर 2015, ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है रोटेन टोमाटोज पर फिल्म को 104 समीक्षाओं के आधार पर 15 परसेंट की अनुमोदन रेटिंग मिली है जिसकी औसत रेटिंग तीन है साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड के पास कुछ अच्छे एक्शन दृश्यों के अलावा देने के लिए बहुत कम है जिससे इस रिबूट का शीर्षक उद्देश्य की पुनरावृत्ति की तुलना में इच्छाधारी सोच जैसा लगता है सत्रह मेटाक्रिटिक पर 24 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 32 का भारत औसत स्कोर मिला है जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है अठारह सिनेमा स्कोर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर बी का औसत ग्रेड दिया टीन आईजीएन ने इसे दस में से सात दशमलव शून्य का स्कोर देते हुए कहा इस रीबूट पर जेसन स्टैथम की छाया बड़ी थी लेकिन एडस्क्रेन ने इसे पकड़ लिया जिसका अर्थ है कि फ्रेंचाइजी सुरक्षित हाथों में है ट्वेंटी केमिली डेलमारे एक फ्रांसीसी फिल्म संपादक और निर्देशक हैं जिन्हें द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड और ब्रिक मेशंस के निर्देशन के लिए जाना जाता है उन्होंने ट्रांसपोर्टर तीन और टेकन दो सहित अन्य फिल्मों का संपादन किया कैरियर 2014 में डेल मारे ने पॉल वॉकर डेविड बेले और रजा अभिनीत एक्शन फिल्म ब्रिक मेशन से निर्देशन की शुरुआत की एक यह ल्यूक बेसन और रॉबर्ट मार्क कामेन द्वारा लिखा गया था और 23 अप्रैल 2014 को जारी किया गया था छिव दो में डेल मारे ने एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड का निर्देशन किया जो ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी का रिबूट था तीन फिल्म में एड्स क्रेन और रे स्टीवेंसन है और इसे रिलेटिविटी मीडिया द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 सितंबर 2015 को रिलीज किया गया था ल्यूक पॉल मॉरिस बेसन फ्रेंच एलवाई के बीएस जन्म अठारह मार्च उन्नीस एक फ्रांसीसी फिल्म निर्माता है उन्होंने सबवे, उन्नीस सौ पचासी द बिग ब्लू उन्नीस सौ अट्ठासी ओला फेम निकिता उन्नीस सौ नब्बे फिल्मों का निर्देशन या निर्माण किया सिनेमा डू लुक फिल्म आंदोलन से जुड़े उन्हें उनकी फ़िल्मों लियोन द प्रोफेशन उन्नीस और द मैसेंजर, द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क उन्नीस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ चित्र के सीजर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है उन्होंने अपनी विज्ञान फाई एक्शन फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट उन्नीस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फ्रांसीसी निर्देशक का पुरस्कार जीता उन्होंने 2014 की साइंस फाई एक्शन फिल्म लुसी और 2017 की स्पेस ओपेरा फिल्म वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ एथा एथाउजेंट प्लैनेट्स को लिखा और निर्देशित किया 1980 में अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लेस फिल्म्स डू लूप की स्थापना की जिसका बाद में नाम बदलकर लेस फिल्म्स डू डॉफ़िन रखा गया इसे दो में हटा दिया गया जब उन्होंने लंबे समय के सहयोगी पेरेएंजले पोगम एफआर के साथ यूरोपाकॉर्प की सेह स्थापना की लेखक निर्देशक या निर्माता के रूप में बेसन पचास से अधिक फिल्मों के निर्माण में शामिल रहे हैं प्रारंभिक जीवन बेसन का जन्म पेरिस में हुआ था उनके माता पिता दोनों क्लब मेड स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षक के रूप में काम करते थे एक इस परिवेश से प्रभावित होकर एक बच्चे के रूप में उन्होंने एक समुद्री जीव विज्ञानी बनने की योजना बनाई उन्होंने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय अपने माता पिता के साथ इटली यूगोस्लाविया और ग्रीस के पर्यटक रिसॉर्ट्स की यात्रा में बिताया दो जब वह दस वर्ष के थे तो परिवार फ्रांस लौट आया उनके माता पिता का तलाक हो गया और दोनों ने दोबारा शादी कर ली इसके बारे में उन्होंने कहा उन्होंने इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में कहा यहां दो परिवार हैं और मैं किसी ऐसी चीज का एकमात्र खराब स्मारिका हूं जो काम नहीं करती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो सब कुछ सही है अस्तित्व का क्रोध यहीं से आता है मुझे कुछ करना होगा अन्यथा मैं मरने जा रहा हूं फ्री सत्रह साल की उम्र में बेसन के साथ एक गोताखोरी दुर्घटना हुई जिसके कारण वह गोता लगाने में असमर्थ हो गया चार 2000 में द गार्जियन के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इसने उनके करियर की पसंद को कैसे प्रभावित किया मैं 17 साल का था और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूं इसलिए मैंने कागज़ का एक टुकड़ा लिया और बाएं और मैंने वह सब कुछ डाल दिया जो मैं कर सकता था या जिसके लिए मेरे पास कौशल था और वे सभी चीज़ें जो मैं नहीं कर सकता था पहली पंक्ति छोटी थी और मैं देख सकता था कि मुझे लिखना पसंद है मुझे तस्वीरें पसंद हैं मैं बहुत सारी तस्वीरें ले रहा था इसलिए मैंने सोचा कि शायद फिल्में अच्छी होंगी लेकिन मुझे वास्तव में यह जानने के लिए एक सेट पर जाना चाहिए मेरा एक दोस्त एक लड़के को जानता था जिसका भाई एक लघु फिल्म में तीसरा सहायक था इसलिए मैंने कहा ठीक है चलो सेट पर चलते हैं इसलिए मैं सेट पर गया अगले दिन मैं अपनी मां से मिलने गया और उन्हें बताया कि मैं फिल्में बनाने जा रहा हूं और स्कूल बंद कर दूंगा और अलविदा इसके तुरंत बाद मैंने एक लघु फिल्म बनाई यह बहुत बहुत बुरा था मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं कुछ कर सकता हूं इसलिए मैंने एक लघु फिल्म बनाई यह दिखाने में सक्षम होना कि मैं कुछ कर सकता हूं फाइव कैरियर बेसन ने कथित तौर पर किशोरावस्था में ही ले ग्रैंड ब्लू के पहले ड्राफ्ट पर काम किया था बोरियत के कारण उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया जिसमें बाद में द फिफ्थ एलिमेंट उन्नीस के रूप में विकसित हुई उनकी पृष्ठभूमि भी शामिल थी जो उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक थी 6. जो कि किशोरावस्था में उनके द्वारा पढ़ी गई फ्रांसीसी कॉमिक पुस्तकों से प्रेरित थी उन्होंने अमेरिकी पटकथा लेखक रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ इस विज्ञान कथा थ्रिलर की पटकथा का निर्देशन और सहलेखन किया सेवन अठारह साल की उम्र में बेसन अपने जन्मस्थान पेरिस लॉट आए जहां उन्होंने फ़िल्म उद्योग को समझने के लिए फ़िल्म में छोटी मोटी नौकरियां की उन्होंने क्लाउड फ्राल्डो और पैट्रिक ग्रैंड पेरेट्स सहित निर्देशकों के सहायक के रूप में काम किया उन्होंने तीन लघु फिल्में एक कमीशन डॉक्यूमेंट्री और कई विज्ञापनों का निर्देशन किया आठ इसके बाद वह तीन साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए लेकिन पेरिस लॉट आए जहां उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई उन्होंने पहले इसका नाम लेस फिल्म्स डू लाउप रखा फिर इसे बदलकर लेस फिल्म्स डू डॉफिन कर दिया 1980 के दशक की शुरुआत में बेसन ने एरिक सेरा से मुलाकात की और उनसे अपनी पहली लघु फिल्म एलेवंथ डर्नियर के लिए स्कोर बनाने के लिए कहा बाद में उन्होंने सेरा से अन्य फिल्मों के लिए संगीत तैयार करवाया बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से बेसन ने कई एक्शन फिल्में लिखी और निर्मित की हैं जिनमें टैक्सी श्रृंखला एक से दो ट्रांसपोर्टर श्रृंखला 2002 से 2008 रॉबर्ट मार्क कामेन के साथ एक और सहयोग और जेटली की फिल्में किस ऑफ द ड्रैगन शामिल हैं और उजागर उनकी अंग्रेजी भाषा की फिल्में टेकन टेकन दो और टेकन तीन जो कामेन के साथ सहलिखित थीं और लियाम नीसन द्वारा अभिनीत थीं बड़ी सफल रही हैं टेकन दो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली निर्यात फ्रांसीसी फिल्म बन गई है उद्धरण वांछित बेसन ने पेरिस 2012 ओलंपिक बोली के लिए प्रचार फिल्म का निर्माण किया 9. 2000 हज़ार कांस फिल्म महोत्सव में बेसन बेसन ने अपनी फिल्म द फिफ्थ एलिमेंट उन्नीस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए लुमियरेस पुरस्कार 10 और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सीजर पुरस्कार जीता 11. उन्हें उनकी फिल्मों लियोन द प्रोफेशन उन्नीस 12 और द मैसेंजर द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क उन्नीस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर सेसर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था तेरह फ्रांसीसी अभिनेता जीन रेनो बेसन की कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं जिनमें ले डर्नियर कॉम्बैट उन्नीस सौ तिरासी चौदह सब्वे उन्नीस सौ पचासी सोलह द बिग ब्लू उन्नीस सौ अट्ठासी सत्रह ला फेम निकिता शामिल हैं उन्नीस सौ नब्बे द प्रोफेशन उन्नीस सौ चौरानवे सिक्सटीन सिनेमा डू लुक राफेल बेसन और गाई ऑस्टिन जैसे आलोचक बेसन को सिनेमाडू लुक आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उद्धृत करते हैं 1980 के दशक से 1990 के दशक की शुरुआत तक निर्मित एक विशिष्ट अत्यधिक दृश्य शैली सबवे उन्नीस सौ पचासी द बिग ब्लू उन्नीस सौ अट्ठासी फेम निकिता उन्नीस सौ नब्बे सभी को इसी शैलीगत स्कूल का माना जाता है यह शब्द आलोचक राफेल बासन द्वारा उन्नीस में ला रिव्यू डू सिनेमा एन चार में एक निबंध में गढ़ा गया था अठारह प्रयोगात्मक सिनेमा के पक्षधर और न्यूवेव नोवेल वेग निर्देशकों के मित्र बासन ने बेसन को जीन जैक्स बेनिक्स और लेओस कैरेक्स के साथ तीन निर्देशकों के रूप में समूहित किया जिन्होंने ले लुक की शैली साझा की इन निर्देशकों को बाद में आलोचनात्मक रूप से विषय पर शैली और कथा पर तमाशा पसंद के रूप में वर्णित किया गया इनटीन बेसन और इस प्रकार वर्गीकृत अधिकांश फिल्म निर्माता इस लेबल से असहज थे उन्होंने उनके काम की तुलना फ्रांस की न्यू वेव से की जिन ल्यूग गोडार्ड और फ्रांको इस ट्रूफोर्ट मौजूदा सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे और उन्होंने सिनेमा को अभिव्यक्ति के साधन के रूप में सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यह उस समय का सबसे उन्नत माध्यम था बेसन ने उन्नीस में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक साक्षात्कार में कहा आज क्रांति पूरी तरह से उद्योग के भीतर हो रही है और इसका नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो फिल्मों को बेहतर अधिक विश्वसनीय और देखने में आनंददायक बनाकर उनका स्वरूप बदलना चाहते हैं उन्होंने कहा चूंकि इस क्षेत्र में प्रवेश करना कठिन होता जा रहा है इसलिए हमने एक मनोवैज्ञानिक कवच विकसित किया है और काम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं मुझे लगता है कि हमारा जुनून ही फिल्म निर्माण प्रतिष्ठान के स्तंभों को हिला देगा ट्वेंटी बेसन ने आंग सानसुकी की बायोपिक द लेडी दो मूल शीर्षक डांस लालू मेरे का निर्देशन किया उन्होंने लॉकआउट 2012 पर भी काम किया 21 कार्य बेसन की कई फिल्मों ने आलोचनात्मक नहीं तो लोकप्रिय सफलता हासिल की है ऐसी ही एक रिलीज थी ले ग्रैंड ब्लू इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून ने बेसन की 2007 की प्रोफाइल में लिखा है जब 1988 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग नाइट पर फिल्म का प्रीमियर हुआ था तो इसे बेरहमी से पीटा गया था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा यह एक धमाका था युवा लोगों द्वारा गले लगाए जाने के बाद जो इसे दोबारा देखने के लिए आते रहे फिल्म ने दस मिलियन टिकट बेचे और जल्द ही वह बन गई जिसे फ्रांसीसी फिल्म जेनरेशन कहते हैं जो संस्कृति में एक निर्णायक क्षण था फ्री बेसन ने आर्थर श्रृंखला बनाई जिसमें आर्थर और मिनिमॉय आर्थर और फॉरबिडन सिटी आर्थर और माल्टजार्ड का प्रतिशोध और आर्थर और दो दुनियाओं का युद्ध शामिल है उन्होंने आर्थर एंड द इन्विजिबल्स का निर्देशन किया जो संग्रह की पहली दो पुस्तकों का रूपांतरण था लाइव एक्शन और एनिमेशन वाली एक फिल्म इसे यूके और यूएस में रिलीज किया गया था प्रशस्ति पत्र आवश्यक आलोचनात्मक मूल्यांकन बेसन को सबसे हॉलीवुड फ्रांसीसी फिल्म निर्माताओं के रूप में वर्णित किया गया है बाईस स्कॉट टोबियास ने लिखा है कि उनकी स्मार्ट कमर्शियल एक्शन फिल्में इतनी अदलाबदली योग्य थीं ड्रग्स फूहड़ता हंसते हुए सुपरविलेनी और हांगकांग शैली के प्रभाव की प्रत्येक नई परियोजना शायद शीर्षक पृष्ठ पर व्हाइट आउट के साथ शुरू होती है ट्वेंटी थ्री अमेरिकी फ़िल्म समीक्षक आर्मंड वहाइट ने एक्शन फिल्म को निखारने और क्रांति लाने के लिए बेसन की प्रशंसा की है जिन्हें वह सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक मानते हैं उन्होंने लिखा कि बेसन ने अपने पात्रों के संघर्ष को मानवीय पतन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ प्रतिरोध के रूप में चित्रित किया है ट्वेंटी व्यक्तिगत जीवन बेसन की चार बार शादी हो चुकी है सबसे पहले उन्नीस में अभिनेत्री एनी पैरिलाउड से उनकी एक बेटी जूलियट थी जिसका जन्म उन्नीस में हुआ था पेरिलॉड ने बेसन की ला फेम निकिता उन्नीस में अभिनय किया था उन्नीस में उनका तलाक हो गया बेसन की दूसरी पत्नी अभिनेत्री और निर्देशक मावेन लेबेस्को थीं जिनके साथ उन्होंने तब डेटिंग शुरू की जब वह 32 वर्ष के थे और वह 15 वर्ष की थीं 25 उन्होंने उन्नीस के अंत में शादी की जब 16 वर्षीय लेबेस्को अपनी बेटी शन्ना के साथ गर्भवती थी जिसका जन्म तीन को हुआ था जनवरी एक नौ नौ तीन छब्बीस ले बेस्को ने बाद में दावा किया कि उनके रिश्ते ने बेसन की फिल्म लियोन उन्नीस सौ चौरानवे को प्रेरित किया जहां कथानक में एक वयस्क व्यक्ति और बारह वर्षीय लड़की के बीच भावनात्मक संबंध शामिल था पच्चीस उनका विवाह उन्नीस सौ सत्तानवे में समाप्त हो गया जब बेसन द फिफ्थ एलिमेंट उन्नीस सौ सत्तानवे के फ़िल्मांकन के दौरान अभिनेत्री मिला जोवोविच के साथ जुड़ गए उन्होंने 14 दिसंबर उन्नीस को 21 वर्षीय जोवोविच से शादी की जब वह 38 वर्ष के थे 1999 में उनका तलाक हो गया 27, 28 अगस्त 2004 को 45 साल की उम्र में बेसन ने 32 साल की फ़िल्म निर्माता वर्जिनी सिला से शादी की उनके तीन बच्चे हैं 28, बलात्कार का आरोप 2018 में वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ ए थाउजेंड प्लैनेट्स में दिखाई देने वाली अभिनेत्री सैंडवान रॉय ने बेसन पर बलात्कार का आरोप लगाया उनतीस निर्देशक के वकील थियरी मारेम्बर्ट ने कहा कि बेसन ने इन काल्पनिक आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया है और आरोप लगाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानता है जिसके प्रति उसने कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं किया है थर्डी फर्डी फरवरी 2019 में फ्रांसीसी अभियोजकों ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ मामला हटा दिया बत्तीस दिसंबर 2021 में एक न्यायाधीश ने दूसरी जांच के बाद बेसन के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया तैंतीस पेरिस में सरकारी अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि जांच स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि बलात्कार के आपराधिक तथ्य नहीं हुए थे नागरिक पक्ष की सहमति की अनुपस्थिति स्थापित नहीं हुई है और बाधा धमकी हिंसा का अस्तित्व है विशेषता नहीं चौंतीस अप्रैल 2022 में वैन रॉय ने मामले के प्रभारी मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई पैंतीस जून 2023 में फ्रांस की सर्वोच्च न्यायिक अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन के एक फैसले के बाद बेसन को सभी आरोपों से निश्चित रूप से बरी कर दिया गया था यह फैसला वान रॉय को फ्रांस या यूरोप में कहीं और उन्हीं आरोपों पर मुकदमा चलाने से रोकता है थर्डी एक पूर्व सहायक सिटी डू सिनेमा स्टूडियो के दो छात्र और बेसन के यूरोपा कॉर्प के एक पूर्व कर्मचारी सहित कई अन्य महिलाएं जो सभी गुमनाम रहना चाहती थीं ने निर्देशक द्वारा अनुचित यौन व्यवहार का वर्णन किया सैंतीस अपनी कहानियों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं होने के कारण उन्होंने आरोप नहीं लगाए और मानहानि का मुकदमा टाल दिया उनकी कहानियों का प्रयोग जांच न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया फिडी एट फिडी नाइन चयनित फिल्मोग्राफी मुख्य लेख ल्यूक बेसन फिल्मोग्राफी एलवंथ डर्नियर उन्नीस सौ इक्यासी ले डर्नियर कॉम्बैट उन्नीस सौ तिरासी सब्वे उन्नीस सौ पचासी द बिग ब्लू उन्नीस सौ अट्ठासी ला फेम निकिता उन्नीस सौ नब्बे अटलांटिस उन्नीस सौ इक्यानवे लियोन द प्रोफेशन उन्नीस सौ चौरानवे पांचवा तत्व उन्नीस सौ सत्तानवे द मैसेंजर द स्टोरी ऑफ जोन ऑफ आर्क उन्नीस सौ निन्यानवे एंजेले 2005 आर्थर एंड द मिनिमोएज 2006 लिया गया 2008 आर्थर एंड द रिवेंज ऑफ माल्टजार्ड 2009 एडेल ब्लैंकसेक का असाधारण रोमांच 2010 आर्थर तीन दो दुनियाओं का युद्ध 2010 द लेडी 2011 परिवार 2013 लुसी 2014 वेलेरियन और हजारों ग्रहों का शहर 2017 हजार सत्रह अन्ना 2019, डॉगमैन 2023, ड्रैकुला ए लव टेल 40, टीबीए विरासत और समान बेसन के पुरस्कारों में उन्नीस में ले डर्नियर कॉम्बैट के लिए ब्रसेल्स इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फैंटेसी फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार फैंटासपोर्टो ऑडियंस जूरी अवार्ड स्पेशल मेशन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शामिल है इटालियन नेशनल सिंडिकेट ऑफ फ़िल्म जर्नलिस्ट सिल्वर रिबन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विदेशी फिल्म लाफेम निकिता के लिए उन्नीस सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फ़िल्म के लिए अलेक्जेंडर कोडा पुरस्कार निल बाय माउथ उन्नीस और द फिफ्थ एलिमेंट उन्नीस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीजर पुरस्कार सेवन 2000 में बेसन ने पियरे एंजले पोगम के साथ यूरोपाकॉर्प की सहस्थापना करके अपनी प्रोडक्शन कंपनी को हटा दिया जिसके साथ उन्होंने उन्नीस से अक्सर काम किया था ले पोगम तब गोमोंट के साथ वितरण निदेशक थे यूरोपाकॉर्प ने अंतर्राष्ट्रीय वितरण के साथ कई अंग्रेजी भाषा की फिल्मों के आधार पर मजबूत वृद्धि हासिल की है इसकी पेरिस नॉर्मंडी और हॉलीवुड में उत्पादन सुविधाएं हैं और यह जापान और चीन में वितरण साझेदारी स्थापित कर रहा है एडवर्ड जॉर्ज स्क्रेन बटा के आर ए एन बटा एक जम उनतीस मार्च उन्नीस एक अंग्रेजी अभिनेता फिल्म निर्माता और रैपर हैं उन्हें सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म डेडपूल 2016 हजार सोलह में खलनायक फ्रांसिस फ्रीमैन बटा अजाक्स के रूप में पहचान मिली उन्होंने द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड 2015, एलिटा बैटल एंजेल 2019, मिडवे 2019, रिबेल मून पार्ट वन ए चाइल्ड ऑफ फायर 2023 और रिबेल मून पार्ट टू द स्कारगिवर 2024। प्रारंभिक जीवन एडवर्ड जॉर्ज स्क्रेइन का जन्म 29 मार्च उन्नीस को लंदन के कैम्डेन बोरो में हुआ था और वे वहीं और लंदन के अन्य बोरो जैसे कि हारिंगी और इसलिंगटन में पले बढ़े उनके दादा दादी वियना से ऑस्ट्रियाई यहूदी शरणार्थी थे जो 1930 के दशक में नाजियों से बचने के लिए इंग्लैंड चले गए थे उनकी दादी किंडरा ट्रांसपोर्ट पर आई दो तीन चार पांच उन्होंने फोर्ट स्कूल में पढ़ाई की तीन फिर ब्याम शॉ स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट पेंटिंग में बीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की सेक्स कैरियर संगीत 2004 में स्क्रेन ने रिकॉर्ड लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स के तहत एक तीन ट्रैक ईपी जारी किया 2007 में उन्होंने अपना पहला एल्बम द अप रिलीज किया उन्होंने फॉरेन बेगर्स एशियन डब फाउंडेशन प्लान बी डब्लेज और डॉक ब्राउन सहित कई कलाकारों के साथ सहयोग किया है उस वर्ष बाद में स्क्रेन ने समूहे स्टेट ऑफ माइंड के साथ एक सहयोगी ईपी प्रीएम्प्टिव नोस्टेल्जिया जारी किया 2009 हज़ार नौ में स्क्रेन ने रैपर सिंटेक्स के साथ मिलकर स्केरिंटेक्स नाम से सहयोगी एल्बम सीन स्टीलर्स लाया सेवन अभिनय स्क्रेन ने अपने अभिनय की शुरुआत प्लान बी की लघु फिल्म मिशेल से की आठ स्क्रेन को उनकी पहली मुख्य भूमिका प्लान बी के इल मैनर्स में मिली स्क्रेन ने टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के तीसरे सीजन में डारियो नाहरिस की भूमिका निभाई हालांकि सीरीज के चौथे सीजन में उनकी जगह डच अभिनेता माइकल हुइसमैन ने ले ली स्क्रेन का कहना है कि शो छोड़ना उनकी पसंद नहीं थी नौ दो में स्क्रेन को द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में जेसन स्टैथम की जगह मुख्य भूमिका में लिया गया था हालांकि फिल्म की आलोचना की गई लेकिन उनके अभिनय की प्रशंसा की गई 10, 11, 12, 13, 2016 में स्क्रेन ने ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म डेडपूल में मुख्य खलनायक अजाक्स की भूमिका निभाई चौदह पंद्रह दो हजार सत्रह में स्क्रेन ओशन विजडम के आई कॉन्टैक्ट संगीत वीडियो में बुरे आदमी की भूमिका निभाते हुए भी दिखाई दिए सिक्सटीन दो हजार अठारह में स्क्रेन ने नताली डॉर्मर और स्टेसी मार्टिन के साथ मनोवैज्ञानिक बदला थ्रिलर इन डार्कनेस में अभिनय किया प्रमुख फोटोग्राफी दो हजार सोलह की शुरुआत में शुरू हुई सत्रह व हिलबॉय रीबूट में बेन डेमियो अठारह एक जापानी अमेरिकी चरित्र के रूप में अभिनय करने वाले थे अपनी कास्टिंग पर विवाद के बाद स्क्रेन ने ट्विटर पर घोषणा की कि वह इस उम्मीद में भूमिका से हट रहे हैं कि उचित जातीयता के अभिनेता को कास्ट किया जाएगा 19, 20, 21, 8 आठ 2019 को उन्होंने रोलैंड एमेरिज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मिडवे में अभिनय किया जिसमें मैंडी मूर पैट्रिक विल्सन ल्यूक इवांस आरोन एकहार्ट निक जोनास डेनिस क्वैड और वुडी हेरेल्सन सहकलाकार थे ट्वेंटी थू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन दो हजार बाईस में स्क्रेन ने आई यूज टू बी फेमस में विंस के रूप में अभिनय किया अट्ठाईस उनतीस द गार्जियन के लिए लिखते हुए लेस्ली फेलपेरे ने फिल्म को तीन बटा पांच स्टार दिए इसे मधुर स्वभाव वाला लेकिन पूर्वानुमानित कॉमेडी ड्रामा कहा तीस दो में उन्होंने रिबेल मून पार्ट वन ए चाइल्ड ऑफ फायर में परपीडक एडमिरल एटिकस नोबल की भूमिका निभाई लेखन एवं निर्देशन स्क्रेन ने लघु ड्रामा फ़िल्म लिटिल रिवर रन 2020 लिखी और निर्देशित की जो उनके इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से जारी की गई थी थर्डी वन व्यक्तिगत जीवन स्क्रेन का एक बेटा है जिसका जन्म 2011 में अमेरिका में हुआ था उन्होंने मां की पहचान का खुलासा नहीं किया है उनके तीन बच्चे हैं जैसा कि उनकी अगली फिल्म रेबेल मून के प्रचार के लिए एक साक्षात्कार में पता चला 32. थ्रू स्क्रेन बारह साल की उम्र से ग्रीनविच लीजर लिमिटेड के लिए तैराकी कोच रहे हैं कैलिडोनियन रोड और आर्कवे में अवकाश केंद्रों पर काम करते हैं थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव डिस्कोग्राफी स्टूडियो एल्बम शीर्षक विवरण द अप रिलीज दो लेबल डेंटेड रिकॉर्ड्स प्रारूप सीडी, डिजिटल डाउनलोड विस्तारित नाटक जॉर्ज रेमंड स्टीवेंसन 25 मई उन्नीस 21 मई 2023, एक उत्तरी आयरिश अभिनेता थे उन्होंने फिल्म किंग आर्थर 2004 में डागोनेट और बीबीसी बटा एचबीओ टेलीविजन श्रृंखला रोम 2005 से 2007 में टाइटस पुलो की भूमिका निभाई उन्होंने दो मार्वल कॉमिक्स पात्रों को चित्रित किया पुनिशर वॉर जोन 2008 में फ्रैंक कैसल बटा द पनिशर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 2011 से 2017 में द सुपर हीरो स्क्वाड शो और वोल्स उनकी अन्य फिल्मों में किल द आयरिश दो 2011 शामिल है जहां उन्होंने डकैत डैनी ग्रीन की भूमिका निभाई द थ्री मस्किटियर्स 2011 और आरआरआर 2022, जहां उन्होंने खलनायक गवर्नर स्कॉट की भूमिका निभाई उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में डेक्सटर के सातवें सीजन में यूक्रेनी डकैत इसाक सिरको ब्लैक सेल्स के तीसरे और चौथे सीजन में ब्लैक बीर्ड स्टार वार्स रिबेल्स और स्टार वार्स द क्लोन वॉर्स में गार सैक्सन को आवाज़ देना और अशोका में बेलन् कोल का किरदार निभाना शामिल है स्टीवेंसन की शादी आठ साल तक अंग्रेजी अभिनेत्री रूथ जेमेल से हुई थी और इतालवी मानवविज्ञानी एलिजेटा कारासिया से उनके तीन बेटे थे स्टीवेंसन की मृत्यु 21 मई 2023 को हुई मृत्यु का कोई कारण सामने नहीं आया है प्रारंभिक जीवन जॉर्ज रेमंड स्टीवेंसन का जन्म 25 मई 1964 को उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रीम के लिस्बर्न में हुआ था वह एक ब्रिटिश पिता और एक आयरिश मां से पैदा हुए तीन बेटों में से दूसरे थे उनके पिता रॉयल एयर फोर्स के पायलट थे एक वह आठ साल की उम्र में अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए पहले न्यूकैसल अपॉन टाइन के लेमिंगटन क्षेत्र में और बाद में सीटन डेलावल में बस गए उन्होंने डिजाइन कोर्स के लिए बाथलेन कॉलेज न्यू कैसल अपॉन टाइन और फिर ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में दाखिला लिया और उनतीस साल की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की उद्धरण वांछित कैरियर फिल्म स्टीवेंसन ने अपनी फिल्म की शुरुआत द थ्योरी ऑफ फ्लाइट उन्नीस में एक जिगोलो के रूप में की जिसे हेलेना बोनहम कार्टर के चरित्र को उसकी वर्जिनिटी खोने में मदद करने के लिए काम पर रखा गया था दो 2002 में उन्होंने लघु फ़िल्म नो लैंड में अभिनय किया जो लंदन फ़िल्म स्कूल से स्नातक होने से पहले अभिनेता निर्देशक एडवर्ड हिक्स की एंटीपोडल तस्वीर थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई 12 मिनट की फ़िल्म में स्टीवेंसन ने एक अनुभवी निजी व्यक्ति का किरदार निभाया था जो युद्ध के दौरान नो लैंड में फंसे और अलग थलग पाए जाने के बाद एक नौसिखिया अधिकारी डेविड बिरकिन को सुरक्षित वापस लाने में मदद करने के लिए मजबूर होता है आइपर्ज़ का 2004 में उन्होंने किंग आर्थर में डेगोनेट की भूमिका निभाई जो गोलमेज का एक शूरवीर था जो अपने साथियों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है दो फ़िल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका स्कॉटिश हॉरर फिल्म आउटपोस्ट 2008 में थी जिसमें उन्होंने पूर्वी यूरोप में एक बंकर में नाजी लाशों के खिलाफ खड़े एक भाड़े के सैनिक को चित्रित किया था उसी वर्ष उन्होंने पुनीशर वॉरजोन में फ़्रैंक कैसल बटा द पुनिशर की भूमिका निभाई जो एक पूर्व संयुक्त राज्य मरीन था जो अपने परिवार की हत्या के बाद सतर्क हो गया था 2010 में उन्होंने कॉमेडी द अदर गाइज में एक प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई Two. 2011 में स्टीवेंसन टू किल द आयरिशमैन द वॉर दैट क्रिप्पल द माफिया नामक पुस्तक पर आधारित फिल्म किल द आयरिशमैन में दिखाई दिए जिसमें आयरिश भीड़ के मालिक डैनी ग्रीन की भूमिका निभाई जिसने 1970 के दशक के दौरान इतालवी अमेरिकी क्लीवलैंड अपराध परिवार पर हमला किया था तीन उन्होंने 2011 की मार्वल फिल्म थौर में थौर के भरोसेमंद साथियों में से एक वोल की भूमिका निभाई उस वर्ष भी उन्होंने पॉल डब्ल्यू एस एंडरसन के द थ्री मस्किटर्स के रूपांतरण में पोर्थोस की भूमिका निभाई दो उन्होंने 2013 में रिलीज हुई जियाई जो रिटालियेशन में जुगनू की भूमिका निभाई वह फिनिश मेरिकी थ्रिलर फिल्म बिग गेम में दिखाई दिए चार 2014 में उन्होंने द डायवर्जेंट सीरीज की पहली किताब पर आधारित फिल्म डायवर्जेंट में अभिनय किया उन्होंने मार्च 2015 में रिलीज हुई सीक्वल द डायवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट और मार्च 2016 में रिलीज हुई द डायवर्जेंट सीरीज एलिगेंट में अपनी भूमिका दोहराई छि 2019 में स्टीवेंसन को एस एस राजामौली द्वारा निर्देशित और 2022 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म आरआरआर में मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में घोषित किया गया था इसने भारतीय सिनेमा में उनकी शुरुआत की फाइव टेलीविजन स्टीवेंसन ने बीबीसी बटा एचबीओ सीरीज रोम में दिग्गज टाइटस पुलो की भूमिका निभाई उनके अन्य टेलीविज़न कार्यों में वेकिंग द डेड मर्फीज लॉ में अतिथि भूमिका और सिटी सेंट्रल और एट होम विद द ब्रेथवेट्स में मुख्य भूमिकाएं शामिल थीं छः वह उन्नीस में सम काइंड ऑफ लाइफ और द रिटर्न ऑफ द नेटिव सहित टीवी फ़िल्मों में भी दिखाई दिए उनके कुछ शुरुआती हिस्से कैथरीन कुक्सन की दो फ़िल्मों में थे द डवेलिंग प्लेस उन्नीस और द टाइड ऑफ लाइफ उन्नीस दो स्टीवेंसन ने द हीरो स्क्वाड शो में एक आवाज अभिनेता के रूप में पुनीशर की अपनी भूमिका को दोहराया और 2012 में डेक्सटर के सातवें सीजन में इसाक सिरको की भूमिका निभाई चौबीस मार्च 2015 को निर्माताओं द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्टीवेंसन स्टारज श्रृंखला ब्लैक सेल्स के पात्र एडवर्ड टीच के रूप में शामिल होंगे सेवन स्टीवेंसन वाइकिंग्स श्रृंखला के सीजन छह में ओथेरे के रूप में भी दिखाई दिए जो 2013 से 2020 तक चला वह 2022 में दास बूट श्रृंखला के सीजन तीन में कमांडर जैक स्विंबर्न के रूप में भी दिखाई दिए एट स्टार वार सेलिब्रेशन 2023 में स्टीवेंसन को डिज्नी प्लस पर पहली बार शुरू होने वाली एक लघु श्रृंखला अहसोका में डार्क जेडी बायलान स्कोल की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी नौ स्टीवेंसन के निधन के बाद श्रृंखला की शुरुआत के बाद स्टीवेंसन का स्कोल जल्दी ही प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया दस ग्यारह स्टीवेंसन की ओर से एक साक्षात्कार में श्रोता डेव फिलोनी ने कहा कि जब उन्हें स्कोल को खलनायक की भूमिका निभाने के लिए कहा गया तो स्टीवेंसन ने कहा मैं ऐसा नहीं सोचता मैं कहता हूं ठीक है मैं सराहना करता हूं कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं और बायलान यह नहीं सोचेगा कि वह खलनायक है लेकिन आप इसमें खलनायक हैं और वह कहता है हम देखेंगे यह एक तरह से उत्तम था बारह स्टीवेंसन ने अपने चरित्र के लाइट सेबर हिल्ट के डिज़ाइन पर भी इनपुट दिया तेरह अहसोका में स्टीवेंसन के प्रदर्शन को आलोचकों से भी काफी प्रशंसा मिली मेट्रो ने उनके काम को संपूर्ण स्टार वार श्रृंखला के मुख्य आकर्षणों में से एक के रूप में वर्णित किया चौदह जबकि कोलाइडर ने स्टीवेंसन को एक अपरिहार्य गंभीरता के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्होंने चरित्र निर्माण में एक मास्टर क्लास दिया 13. स्टेज स्टीवेंसन के मंचीय कार्य में 2000 में यॉर्क मिंस्टर में यॉर्क मिस्ट्री प्ले में यीशु मसीह की भूमिका निभाना शामिल था 2001 में उन्होंने डंकन और माइकल मैलोनी के साथ लंदन के अल्बर्टी थिएटर में केविन एलियट के नाटक माउथ टू माउथ में रोजर की भूमिका निभाई उनका सबसे प्रसिद्ध किरदार शायद 2003 में रॉयल नेशनल थिएटर में जॉन वेबस्टर द्वारा जेनेट मैक्टीर के साथ द डचेस ऑफ माल्फी में कार्डिनल का किरदार था 15. उन्नीस में स्टीवेंसन ने लंदन में अंग्रेज़ी अभिनेत्री रूथ जेमेल से शादी की उनकी मुलाकात बैंड ऑफ गोल्ड उन्नीस के सेट पर हुई थी और बाद में उन्होंने पीक प्रैक्टिस उन्नीस में एक विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई शादी के आठ साल बाद 2005 में उनका तलाक हो गया 16. स्टीवेंसन के इतालवी मानव विज्ञानी एलिजबेटा कारासिया से तीन बेटे थे 17. मृत्यु स्टीवेंसन का 21 मई 2023 को अट्ठावन वर्ष की आयु में निधन हो गया 18. 9. मौत का कोई कारण सामने नहीं आया है लेकिन कथित तौर पर उन्हें इतालवी द्वीप स्टिया में कैसिनो के सेट पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था उन्नीस बीस डॉसन स्कॉट एडकिंस और जेम्स प्योर सहित स्टीवेंसन के सहकलाकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की उन्नीस इन इस्टिया में स्टीवेंसन की भूमिका डोमिनिक परसेल ने संभाली ट्वेंटी वन बाईस अगस्त दो हजार तेईस को स्टीवेंसन की मृत्यु के ठीक तीन महीने बाद रिलीज हुए अशोका के पहले एपिसोड में उनके प्रति एक समर्पण शामिल है हमारे दोस्त रे के लिए बाईस इवाना साखनों जिन्होंने अहसोका में स्टीवेंसन की ऑन स्क्रीन प्रशिक्षु शिनहती की भूमिका निभाई ने स्मरणोत्सव में लिखा कि वह हमेशा के लिए उनकी भेड़िया रहेंगी उनके पात्रों के नाम उन दो वार्गों के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने चंद्रमा और सूर्य का पीछा किया था स्कैंडिनेवियाई पौराणिक कथा लोन चबनोल जन्म दिसंबर उन्नीस सौ बयासी एक दो एक फ्रांसीसी अमेरिकी अभिनेत्री कलाकार और मॉडल हैं तीन उन्हें जॉन टटुरो की कॉमेडी फेडिंग जिगोलो रोमांटिक ड्रामा थर्ड पर्सन एक्शन थ्रिलर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड और हॉरर ड्रामा एंथोलॉजी टीवी श्रृंखला टेल्स ऑफ द दे वॉकिंग डेड में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है जीवन और कैरियर लोन चबनोल का जन्म तीस दिसंबर उन्नीस को पेरिस फ्रांस दो में हुआ था एक दो वह वियतनामी जर्मन और इतालवी मूल की हैं चार उनके प्रारंभिक वर्ष कलाकार बर्नार्ड बिस्टेस के साथ कला कक्षाओं में बीते पांच सोलह साल की उम्र में एलिट मॉडल मैनेजमेंट द्वारा खोजी गई वह एले और मैरी क्लेयर जैसी पत्रिकाओं के कवर पर रही हैं छह दो हज़ार दस में वह ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क चली गई सेक्स अभिनय चैबनोल को उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका जॉन टटुरो की कॉमेडी फेडिंग जिगोलो में मिली 2014 में उन्हें मिला कुनिस के साथ थर्ड पर्सन में एक महत्वपूर्ण दयालु किरदार निभाते हुए सैम के रूप में चुना गया था सात 2015 में उन्हें द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में मुख्य फीमेल फेटेल के रूप में चुना गया था आठ 2022 में चैबनोल ने एंथोलॉजी श्रृंखला टेल्स ऑफ द दे वॉकिंग डेड की पहली किस्त में मुख्य भूमिका निभाते हुए द दे वॉकिंग डेड ब्रह्मांड में प्रवेश किया जो सफल एएमसी श्रृंखला का नवीनतम अवतार है नाइन कलाकार्य दो में चैबनोल ने न्यूयॉर्क शहर में अपनी पहली एकल कला प्रदर्शनी खोली दस मोनिका वॉटकिंस द्वारा क्यूरेट की गई बॉर्न इन ब्लू दस शो में एक लघु एनिमेटेड फिल्म शामिल थी जिसमें समुद्र के तल से जीवित होते फीनिक्स के जम को दर्शाया गया था उनके अगले काम नेमसिस को 2018 में एले प्रदर्शनी में पेश किया गया था ग्यारह इसके बाद कई अन्य कलाकारों के साथ समूह शो वेराइज बारह पेश किया गया था 2019 में उन्होंने अपनी पहली बच्चों की किताब ब्लूबू जारी की तेरह जो ब्राउन वुड्स में रहने वाले एक नीले राक्षस की कहानी है जो जंगल में बचे आखिरी कैटरपिलर से मिलता है गैब्रियला राइट जन्म 19 जून उन्नीस एक अंग्रेजी अभिनेत्री और मॉडल हैं जिन्हें द ट्यूडर्स श्रृंखला में फ्रांस की रानी क्लाउड फिल्म द परफेक्ट हस्बैंड में व्योला और एक्शन थ्रिलर द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में जीना की भूमिका के लिए जाना जाता है अपने अभिनय और मॉडलिंग करियर के अलावा वह एक मानवतावादी और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लिंग आधारित हिंसा और आत्महत्या की रोकथाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में योगदान दिया है प्रारंभिक जीवन राइट का जन्म 19 जून उन्नीस को लंदन के स्टोक न्यूइंगटन में एक मूर्तिकार और चित्रकार पॉल डेविड राइट और एक शिक्षिका और लेखिका एनी कैथरीन राइट के घर हुआ था एक दो उनके भाई बहन पॉलेट और पास्कल राइट हैं वह बारह साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ फ्रांस चली गई और अंग्रेजी साहित्य और सामाजिक अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की दो वह वर्तमान में लॉस एंजल्स में रहती हैं राइट के अभिनय प्रशिक्षकों में सुसान बैट्सन और जैक गार्फिन शामिल हैं प्रशस्ति पत्र आवश्यक अभिनय करियर 2004 में राइट ने विजय सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म वन डॉलर करी में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई छिव 2007 में राइट ऐतिहासिक नाटक श्रृंखला द ट्यूडर्स में फ्रांस की रानी क्लाउड के रूप में दिखाई दी थ्री दो में राइट एचबीओ की अलौकिक ड्रामा सीरीज ट्रू ब्लड के सातवें सीजन में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने सिल्वी की भूमिका निभाई चार उन्होंने लुकास पवेटो द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म द परफेक्ट हस्बैंड में ब्रेट रॉबर्ट्स और कार्ल वहाटन के साथ मुख्य भूमिका निभाई फाइव 2015 में राइट एक्शन थ्रिलर फ़िल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में दिखाई दिए जिसका निर्देशन छह सात केमिली डेलामारे ने किया था एट 2016 में राइट को फिल्म सिक्योरिटी में रूबी के रूप में लिया गया था जिसमें एंटोनियो बैंडेरस और बेन किंग्सले थे नाइन 2018 में राइट ने एक्शन टीम में रेबेखा वोल्ट की भूमिका निभाई जो जेम्स डी द्वारा निर्देशित एक जासूसी कॉमेडी स्पूफ थी राइट ने पैट्रिक ह्यूजेस द्वारा निर्देशित 2021 अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म हिटमैंस वाइफ्स बॉडीगार्ड में एंटोनियो बैंडेरस के चरित्र के लिए व्यक्तिगत हिटवुमन वेरोनिका की भूमिका निभाई सक्रियता राइट का मानवीय जुड़ाव 2004 से है वह प्रोडक्शन कंपनी कॉन्शियस इंटेंट की संस्थापक हैं जो मानव कहानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मीडिया प्रारूपों का समर्थन करती है छैन दो में उन्होंने मिशेल पास्कल द्वारा निर्देशित आई एम नेवर अलोन का निर्माण किया ग्यारह जो नेवर अलोन बारह वैश्विक अभियान के लिए प्रेरणा थी जिसे उन्होंने दीपक चोपड़ा के साथ स्थापित किया था तेरह इसके अलावा चोपड़ा के साथ उन्होंने ध्यान और योग अनुप्रयोग माइंड डाइव में टेलीपैथी और ऑटिज्म नामक श्रृंखला में योगदान दिया चौदह जिसे उन्होंने ध्यान विज्ञान योग के माध्यम से तनाव को कम करने और आघात से राहत देने के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित किया और फिल्में वह एमिटी फाउंडेशन द्वारा सुविधा प्राप्त ग्रेटर लॉस एंजल्स क्षेत्र में पैरोलियों के साथ अपना ध्यान अभ्यास साझा करती है पन्द्रह वह स्काई पावर की सद्भावना राजदूत हैं जो विकासशील देशों के लिए सामाजिक आर्थिक प्रभाव मॉडल वाली एक सौर कंपनी है और म्यांमार में एक जमीनी स्तर की चैरिटी की मानद अध्यक्ष हैं जो यांगून और उसके आसपास की मलिन बस्तियों में काम करती है प्रशस्ति पत्र आवश्यक एक प्रेरक वक्ता के रूप में वह महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की वकालत करती हैं और उन्होंने लंदन 2018 और लॉस एंजल्स 2019 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला और यूएन ट्रस्ट फंड 16 के लिए अपनी आवाज़ दी है निकोल किडमैन वह डिफ़िकल्ट डायलॉग्स फोरम दो में एक अतिथि वक्ता रही हैं जिसमें भारत और हॉलीवुड में मी टू आंदोलनों की तुलना की गई है और उन्होंने कार्नेगी हॉल में कई बार आघात के उपचार ध्यान की शक्ति और पूर्णता की तलाश कैसे की जाए इस पर भी बात की है जीवन की परिस्थितियों का उनकी हालिया सगाई में जिम्बाब्वे की हिंसा से बची एक युवा महिला की शक्तिशाली कहानी दिखाई गई जिसे उन्होंने 24 अक्टूबर 2019 को बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित पहले यूएन ट्रस्ट फंड ग्रांटी कन्वेंशन के उद्घाटन और आत्महत्या पर एक सेमिनार में सुनाया रोकथाम और आत्म जागरूकता जो उन्होंने 3 जनवरी 2020 को भारत के अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय में दिया इ व्यक्तिगत जीवन राइट ने 2005 में निर्माता थियरी क्लेमेन्यूक से शादी की तीन 2010 में उनका तलाक हो गया उद्धरण वांछित यू वेंगसिया चीनी पिनेन यू वेंग्सिया जन्म 6 अगस्त उन्नीस सौ नवासी एक चीनी अभिनेत्री टीवी होस्ट गायिका मॉडल और ब्यूटी क्वीन है जिन्होंने इनर मंगोलिया के ऑर्डो सिटी में मिस वर्ल्ड 2012 जीता वह दूसरी चीनी नागरिक हैं 2007 में झांग जिलिन के बाद ऐसा करें 1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा किसान माता पिता की दो बेटियों में से दूसरी उनका जन्म 6 अगस्त उन्नीस को पूर्वोत्तर चीन के हेलोंगजियांग के शांगजी में हुआ था यू बचपन में गायक बनने और संगीत और प्रकृति की कक्षाओं का आनंद लेने का सपना देखता था उद्धरण वांछित उन्होंने हार्बिन विश्वविद्यालय में चीनी लोक संगीत में चार साल का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पूरा किया वह वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रही है कैरियर मिस चाइना 2012 हजार बारह तीस जून दो को बीजिंग के जिन्हाई लेक रिजॉर्ट में यू को मिस चाइना दो का ताज पहनाया गया प्रशस्ति पत्र आवश्यक मिस वर्ल्ड 2012, 18 अगस्त 2012 को यू ने डोंगशेंग फिटनेस सेंटर स्टेडियम ओर्डो सिटी इनर मंगोलिया चीन में आयोजित 2012 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती उन्हें मिस टैलेंट का नाम भी दिया गया जहां उन्होंने फाइनल के दौरान मंच पर अपनी विजयी प्रतिभाचिनी लोकगीत का प्रदर्शन किया जब उनसे पूछा गया कि मिस वर्ल्ड का ताज जीतकर उन्हें कैसा महसूस हुआ तो उन्होंने जवाब दिया आश्चर्यचकित हूं और बहुत खुश हूं मिस वर्ल्ड जीतना एक बड़ी जिम्मेदारी है जानने के लिए बहुत कुछ है मैं वास्तव में अपने देश की पहली मिस वर्ल्ड विजेता झांग जिलिन की प्रशंसा करती हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं उनके उदाहरण का अनुसरण करूंगी लेकिन साथ ही अपनी पहचान भी बनाऊंगी मैं मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने और अपनी करुणा और प्यार साझा करने और अपने शासनकाल के पूरे वर्ष में कई लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए बहुत उत्सुक हूं छिव मिस वर्ल्ड के रूप में अपने शासनकाल के दौरान यू ने यूनाइटेड किंगडम इटली फ़्रांस दक्षिण अफ्रीका भारत ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस थाईलैंड इंडोनेशिया रूस संयुक्त राज्य अमेरिका एयती ब्राजील तुर्की घाना हंगरी यूक्रेन और चीन की यात्रा की मिस वर्ल्ड 2013 मिस वर्ल्ड 2013 के ग्रैंड फाइनल में यू ने टैलेंट प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता इंडोनेशिया की वानिया लारिसा और ऑस्ट्रेलिया की एरिन हॉलैंड के साथ टेनजेट का प्रदर्शन किया थ्री फोर लेन कुद्रजाविज की दो महीने की उम्र में अपने माता पिता के साथ लेनिनग्राद से पूर्वी बर्लिन आए थे जहां उनके पिता एक वैज्ञानिक के रूप में नौकरी करते थे और उनकी मां एक दुभाषिया के रूप में काम करती थीं उन्होंने वायलिन वादन की खोज की और छह साल की उम्र में वे लेनिनग्राद स्टेट बैले के साथ मंच पर थे एक उन्होंने एक कलात्मक हाई स्कूल में दाखिला लिया जहां उन्होंने अभिनय गायन और वायलिन की शिक्षा प्राप्त की अंत ड्रेस्डेन में उन्होंने वायलिन का अध्ययन किया 2001 से 2006 तक क्द्र जाविज की आरटीएल श्रृंखला एब्सिनिट 40 के स्थायी समूह का हिस्सा था साथ ही उन्होंने विभिन्न सिनेमा और टेलीविजन प्रस्तुतियों में भाग लिया जैसे कि पाइपरमिंट एलबी स्टीफन रुजोविचकी की ऑस्कर विजेता फिल्म द काउंटरफिटर्स में पोप जोन में पैरामाउंट प्रोडक्शन जैक रान शेडो रिक्रूट में केविन के साथ कॉस्टनर केनेथ ब्रानक द्वारा निर्देशित और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में ल्यूक बेसन द्वारा निर्मित और लिखित और एआरडी सीरीज डेयर क्रोएटियन क्रिमी में एक कमिश्नर के रूप में दो वह जर्मन फिल्म अकादमी के सदस्य हैं फिल्मोग्राफी कैटरीन एंड व्लादिमीर उन्नीस टीवी मूवी व्लादिमीर टैटोट एक से 2020, टीवी सीरीज डेविड कोवासिक बटा बटासर्गेज लिटविन बटा शाकिर डाई क्लेवन उन्नीस टीवी श्रृंखला डाई एंट फुहरंग उन्नीस सौ निन्यानवे टीवी मूवी इंग्लैंड 2000, थाउजेंड एनिमी एट द गेट्स दो हजार एक इन ट्रेन एब्स ने चालीस दो हजार एक से दो हजार छह टीवी सीरीज पोलिजी मिस्टर ग्रिस्चा कास्पिन डाई एच्टेटोरसुंडे तोस्काना क्रुसेल दो हजार दो किकी अन टाइगर दो हजार तीन लघु टाइगर पिपरमिंट पॉन्ड दो हजार चार लुका सुचमिच निक्ट 2004 हजार बारकीपर होटल चेरी की रानी डी 2004 टीवी मिनी सीरीज कोबरा ग्यारह के लिए अलार्म डाई ऑटोबाम्पोलिजी दो हजार पांच से दो हजार बारह टीवी सीरीज जूरी बटा स्ट्रैक ग्रोसे लुगेन दो हजार सात मोर्गेन्ताओ द काउंटर फाइटर्स दो हजार सात लॉस जेक मैरी दो हजार सात टीवी मूवी आंद्रे वेबर सेवन डेज संडे डी 2007 पुलिस अधिकारी लूपो आज मेरा दिन है 2007 लघु पॉल कोमिसार स्टोलबर्ग 2007 टीवी सीरीज फिलिप श्रोडर जीएसजी जी नौ इहर इंसत्स स्ट इहर लेबेन 2007 से 2008 टीवी सीरीज इलियास बालासंजन बटा डुकिन धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय 2008 हजार आठ वृत्तचित्र डाई जीट डाईमैन लेबेन नेट 2008 टीवी मूवी जूरी पोप जॉन 2009 हजार नौ जॉर्डन स्किक्सल्स जाहरे दो टीवी सीरीज व्लादिमीर कोनसोलो डाई लेचटे ल्यूज दो आर्मिन द मैन विद द बैसून डी 2011 टीवी मूवी अल्जोस्चा का साजेव एक युवा व्यक्ति के रूप में बटा का साजेव नोट्रुफ हफेन कांटे दो टीवी सीरीज मैनफ्रेड ग्रेड का डाईड्रॉफ गैंगर दो टीवी सीरीज प्रीस्टर पोलिजेरुफ एक सौ दस दो हजार बारह टीवी श्रृंखला बोगदान कुलजाको जैक रेयान शेडो रिक्रूट दो हजार चौदह कॉन्स्टेंटिन हेल्ट दो हजार चौदह टीवी सीरीज मारेक ईन स्टार्क्स टीम दो हजार चौदह टीवी सीरीज बिजनेस एज यूजुअल डेयर प्रोफेट फ्लिक्टिट दो हजार चौदह स्टार फाइटर डी 2015, टीवी मूवी सहायक स्टीवंस ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड 2015, लियो इमासोवा ऑक्यूपाइड 2015, टीवी सीरीज ओरलोव वो डेर मोर्गनरोटे दो हजार सोलह सैमुअल मालामुद बर्लिन स्टेशन 2016, टीवी सीरीज जोल्टन वासिले डेर क्रोएटियन क्रिमी 2016 से 2021, टीवी श्रृंखला एमिल पेरिका नोएमी लेनोयर जन्म 19 सितंबर उन्नीस सौ तीन एक फ्रांसीसी मॉडल और अभिनेत्री हैं वह गुच्ची लोरियल नेक्स्ट गैप टॉमी हिलफिगर विक्टोरिया सीक्रेट बालमेन पेरिस हेयर कोचर और मार्क्स एंड स्पेंसर के साथ अपने काम के लिए जानी जाती है प्रारंभिक जीवन 2005 के कांस फिल्म समारोह में नोएमी लेनोयर लेनोर का जन्म लेस उलिस एस सोन फ्रांस में हुआ था चार उनकी मां एक सफाई करने वाली महिला हैं और हिंद महासागर में फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन से आती है वह अफ्रीकी और भारतीय जातीयता की है जबकि उसके पिता मुख्य भूमि फ्रांस के एक फ्रांसीसी और एक इलेक्ट्रीशियन है चार जब वह सत्रह वर्ष की थी लेनोर को फोर्ड मॉडलिंग एजेंसी ने देखा और न्यूयॉर्क में मॉडलिंग शुरू कर दी 2015 में नोएमी लेनोयर कैरियर पेरिस के पास एक बैनल्यू जिले में पली बढ़ी जिसे वह यहूदी बस्ती कहती है लेनोर को पहली बार उन्नीस में 17 साल की उम्र में देखा गया था जब एक डाकघर में एक फोर्ड बुकर ने उनसे संपर्क किया था पांच उन्होंने उन्नीस में लोरियल के साथ अनुबंध किया और तब से लेटिटिया कास्टा और दीर्घकालिक मॉडल और अभिनेत्री एंडी मैकडोवेल के साथ उनके विज्ञापनों में दिखाई दी उन्होंने विक्टोरियाज सीक्रेट गैप नेक्स्ट और कई अन्य के लिए भी काम किया है लेनोयर क्रिसमस 2009 तक चार वर्षों तक यूके के हाई स्ट्रीट रिटेलर मार्क्स एंड स्पेंसर का चेहरा थे उद्धरण वांछित छः और उन्हें साथ ही मॉडल एरिन इन ओकॉर्नर ट्विगी और लॉरा के साथ विभिन्न ब्रिटिश टीवी विज्ञापनों पत्रिकाओं और बिलबोर्ड में देखा गया था बेली लेनोर 2012 में मार्क्स एंड स्पेंसर के विज्ञापन में लौट आईं, जहां उन्हें सर्वोत्कृष्ट रूप से ब्रिटिश मनोरंजन के चयन का आनंद लेते हुए देखा गया सेवन 2007 में लेनोर ने अभिनेता जैकी चैन और क्रिस टकर के साथ हिट फिल्म रश ओवर तीन में अभिनय किया 2009 में लेनोयर ने अशर के एकल हे डैडी डैडीज होम के संगीत वीडियो में अभिनय किया एट उसका प्रतिनिधित्व मॉडल एक द्वारा किया जाता है नाइन व्यक्तिगत जीवन 2015 हजार पंद्रह कांस फिल्म फेस्टिवल में नोएमी लेनोयर रैपर स्टोमी बग्सी के साथ रिश्ते के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी क्लाउड मैकेले के साथ रहीं दस उनका एक बेटा है दस दो हजार नौ की शुरुआत में यह जोड़ी अलग हो गई ग्यारह लेनोयर ने अगस्त दो हजार पंद्रह में एक बेटी को जन्म दिया ठुआव आत्महत्या का प्रयास नौ मई दो हजार दस को लेनोर को उसके पेरिस स्थित घर के पास एक पार्क में अपने कुत्ते को घुमाने वाले एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के संदिग्ध प्रयास के बाद बेहोश पाया गया था उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसके शरीर में बड़ी मात्रा में ड्रग्स और अल्कोहल पाया गया तेरह चौदह पन्द्रह उन्होंने फरवरी 2011 में ब्रिटेन की गार्जियन वीकेंड पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में आत्महत्या के प्रयास के बारे में बात की और स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में कुछ वास्तव में बेवकूफी भरा कुछ किया है पांच कुछ लोगों ने इस घटना को एम्ब्रोस ओलसेन डॉल किम टॉम निकॉन हेले कोहले और रुस्लाना कोशोनोवा की आत्महत्याओं के साथ साथ उस समय फैशन उद्योग में चल रही आत्मघाती त्रासदियों की श्रृंखला के एक मामले के रूप में संदर्भित किया है 16. यूरोपा यूरोपाकॉर्प एसए शुरुआती लोगों में यूरोपा कॉर्प के रूप में शैलीबद्ध एक फ्रांसीसी मोशन पिक्चर कंपनी है जिसका मुख्यालय पेरिस के उत्तरी उपनगर सेंट्रेनिस में है और कुछ पूर्ण सेवा स्वतंत्र स्टूडियो में से एक है जो फीचर फिल्मों का निर्माण और वितरण दोनों करता है यह उत्पादन वितरण घरेलू मनोरंजन वीओडी बिक्री साझेदारी और लाइसेंस रिकॉर्डिंग प्रकाशन और प्रदर्शनी में माहिर है यूरोपाकॉर्प का एकीकृत वित्तीय मॉडल विभिन्न स्रोतों से राजस्व उत्पन्न करता है जिसमें कई शैलियों की फिल्में और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में एक मजबूत उपस्थिति है चौदह वर्षों में यूरोपाकॉर्प ने अस्सी से अधिक फिल्मों का निर्माण और सहनिर्माण किया है और अब रोजी फिल्म्स कैटलॉग के एकीकरण के बाद 500 से अधिक शीर्षक वितरित कर रहा है स्टूडियो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मजबूत कमाई क्षमता वाली अंग्रेज़ी भाषा की फ़िल्मों के निर्माण में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है दो कंपनी ने सफल टेकन त्रई और ट्रांसपोर्टर श्रृंखला का विकास और उत्पादन किया तीन कंपनी ने 2010 हज़ार दस में यूरोपाकॉर्प टेलीविज़न के माध्यम से टीवी श्रृंखला का निर्माण शुरू किया जिसने पहले ही यूरोपाकॉर्प की लोकप्रिय टैक्सी फ़िल्म फ़्रेंचाइजी को अनुकूलित कर लिया था 2018 के बाद से कंपनी को अपने अध्यक्ष और बहुसंख्यक मालिक ल्यूग बेसन पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उथल पुथल का सामना करना पड़ा है फोर फाइव इतिहास कंपनी की स्थापना उन्नीस में ल्यूग बेसन द्वारा लीलू प्रोडक्शंस के नाम से की गई थी लेकिन इसने कई वर्षों बाद टैक्सी और द डांसर की रिलीज के साथ पूरी तरह से फ़ीचर फ़िल्मों का निर्माण और सहनिर्माण शुरू किया 2000 में कंपनी का नाम बदलकर यूरोपाकोप कर दिया यूरोपा गया छह ल्यूक बेसन ने 1990 में लेस फिल्म्स ड्यू डॉफिन नाम से एक छोटी प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई थी जो लीलू प्रोडक्शंस बटा यूरोपाकॉर्प के बाहर अस्तित्व में है सात गोमोंड से बेसन के पुराने सहयोगी पेरेन्जले पोगम जो बेसन की कई निर्देशित फ़िल्मों के पीछे की प्रोडक्शन कंपनी थी 2000 हज़ार में यूरोपाकॉर्प में शामिल हुए उन्होंने उन्नीस से बेसन के साथ पहले वितरण निदेशक के रूप में और उन्नीस से उप के रूप में काम किया था गोमोंट में कार्यकारी अधिकारी यूरोपाकॉर्प में उन्हें बेसन के दाहिने हाथ के रूप में जाना जाने लगा उन्होंने बेसन के साथ असहमति के कारण 2011 में कंपनी छोड़ दी 8 जुलाई 2007 में यूरोपा में यूरोपाकॉर्प ने यूरोनेक्स्ट पेरिस पर अपना आईपीओ सफलतापूर्वक प्रबंधित किया 9 मई 2008 में मीडिया विनियमन के लिए फ्रांसीसी प्राधिकरण सीएसए ने फ़्रांस में एक मोबाइल टीवी चैनल के लिए आवेदन करने के लिए अपने निमंत्रण में यूरोपाकॉर्प टीवी परियोजना का चयन किया उद्धरण वांछित 2013 में लिसा एलजी जो अब तक लायंस गेट और बीसवीं सेंचुरी फॉक्स की निर्माता थीं को यूरोपाकॉर्प के यूएस मोशन पिक्चर प्रोडक्शन के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था छैन दो में बेसन पर एक अभिनेत्री द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया था जो गुमनाम रहना चाहती है ग्यारह बलात्कार के आरोप के बाद यूरोपाकॉर्प के शेयर सत्रह परसेंट गिरकर केवल दो यूरो इकतीस सेंट दो डॉलर सत्तर सेंट रह गए बारह बाद में उसी वर्ष यूरोपाकॉर्प ने अपना फ्रांसीसी टेलीविजन डिवीजन मीडियावान को बेच दिया और इसका नाम बदलकर स्टोरिया टेलीविजन कर दिया गया यूरोपाकॉर्प रोइसी फिल्म्स लाइब्रेरी को गोमोंट को बेचने पर भी सहमत हुआ तेरह पांच और महिलाओं ने बेसन के खिलाफ इसी तरह के बयान दिए 14. मई 2019 में यूरोपा कॉर्प को एक फ्रांसीसी वाणिज्यिक अदालत से छह महीने की कर्ज माफी दी गई और अदालत के संरक्षण में रखा गया 15. सोलह एक सप्ताह बाद स्टूडियो ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया सत्रह इसका स्टॉक मूल्य गिरकर शून्य यूरो सड़सठ सेंट हो गया था इसके निर्माण में कोई फिल्म नहीं थी सोलह दिसंबर 2019 में कंपनी पर एक मिलियन डॉलर का कर्ज था और यह वाइन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के साथ लंबी बेलाउट वार्ता में थी 18. संरचना 2007 में यूरोपा कॉर्प का स्वामित्व ल्यूक बेसन के पास उनकी कंपनी फ्रंटलाइन के माध्यम से बासठ परसेंट और पेरेएंजले पोगम के पास आठ दशमलव शून्य छह परसेंट था तेईस परसेंट सार्वजनिक था नाइन नाइनटीन बेसन को कॉर्प के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जीन जूलियन बैरोनेट नवंबर 2008 तक यूरोपा कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे क्रिस्टोफ लैम्बर्ट 2010 से 2016 तक सीईओ थे 20 मार्क शमुगर को 2016 में सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था 21 डिजिटल फैक्ट्री ल्यूक बेसन के माध्यम से यूरोपा कॉर्प से संबंधित है बाईस पोस्ट प्रोडक्शन ध्वनि का प्रबंधन मुख्य रूप से नॉर्मंडी साइट पर किया जाता है जबकि दृश्य प्रभाव पेरिस में किया जाता है सितंबर 2016 में यह घोषणा की गई थी कि चीनी फिल्म कंपनी फ़ंडामेंटल फिल्म्स ने यूरोपाकॉर्प में 27.9 परसेंट हिस्सेदारी हासिल कर ली है जो कंपनी में दूसरी सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है 23 जून 2017 में यूरोपा में यूरोपाकॉर्प ने सोनी एटीवी म्यूजिक पब्लिशिंग के साथ एक संगीत प्रकाशन समझौते पर हस्ताक्षर किए चौबीस और उस महीने के अंत में स्टूडियो को एक मिलियन यूरो एक मिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ 25. फाइव अंतर्राष्ट्रीय आयाम यूरोपाकॉर्प ने विश्व बॉक्सफिस हिट टेकन विश्व बॉक्सफिस पर 224 मिलियन डॉलर आर्थर एंड द इनविजिबल्स 107 मिलियन डॉलर ट्रांसपोर्टर तीन 106 मिलियन डॉलर और हिटमैन 100 मिलियन डॉलर का निर्माण किया है यूरोपाकॉर्प के दो प्रोडक्शन यूएस बॉक्सफिस पर शीर्ष पर रहे हैं 2005 की गर्मियों तक ट्रांसपोर्टर दो और 2009 के वसंत में लिया गया यूरोपा यूरोपाकॉर प्रस्तुतियों में कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सितारे दिखाई दिए हैं जिम कैरी पेनेलोप क्रूज रॉबर्ट डी नीरो डेविड डचोवनी मॉर्गन फ्रीमैन सलमा हाइक टॉमी ली जोन्स जेट ली, जॉन मेलकोविच, जेसन स्टैथम ब्रिटनी मर्फी लियाम नीसन मैडोना फ्रेडी हाईमोर इवान मैकग्रेगर लू रीड और अन्य नतीजतन फिल्में आमतौर पर अंग्रेजी में शूट की जाती हैं ट्वीटिक्स दोस्तों इस फ्रेंचाइजी के अंदर हमें तकरीबन चार मूवीज़ देखने को मिल चुकी है अभी हाल ही में एक तरह से चौथा पार्ट देखने को मिला था तकरीबन दो हज़ार उन्नीस से अट्ठारह के बीच में साथ ही साथ इससे ऊपर कई सीरीजें भी हमें देखने को मिल चुकी है बाकी ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टरफ्ट के नाम से कई एक तरह से फैन में टीज़र यूट्यूब पर अवेलेबल है और साथ ही साथ अभी कोई ऑफिशियल एक तरह से अनाउंसमेंट इसकी नहीं की गई है कि कब ये रिलीज़ की जाएगी जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको बताता रहूँगा बाकी जितनी भी जानकारी दी वो एक तरह से कन्फर्म है कि इस तारीख को देखने को मिल जाएगी बाकी दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेलाइकन दबा कर सेल्फ़ को सेट कर ले आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में